यो भाई लोग, फाइनली भाई आ चुका है अंडरवर्ल्ड गैंग वार्स का गेम प्ले और साथ ही में भाई आ चुके हैं उसके प्ले टेस्ट के रजिस्ट्रेशन। तो यार वीडियो में करने वाले हैं उन्हीं चीजों के बारे में बात। तो चलो फिर यार वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑल पे कर लेना। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं यहाँ पर UGW के प्ले टेस्ट के बारे में। तो भाई प्ले टेस्ट होने वाला है 23 दिसंबर को और यहाँ पर वो होने वाला है बेंगलुरु में। और भाई एक चीज बता दूं, इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है, आप भर सकते हो। बट ये चीजें अगर जो भी बंदा सेलेक्ट होगा ना, लिमिटेड बंदे सेलेक्ट होंगे, उनको मेल आ जाएगा, मेल के थ्रू वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और भाई जो भी बंदा सेलेक्ट होगा उसको वहां जाना होगा एंड जो भी उसको टाइम वगैरह मिलेगा मेल वगैरह में उसके हिसाब से आपको जाना होगा। अगर कोई बंदा दूर से सेलेक्ट होता है तो आने जाने का खर्चा UGW टीम नहीं देगी, उन्होंने साफ साफ मेंशन करा हुआ है उसमें। तो ये चीज देखने के बाद मेरे को तो ऐसे लग रहा है मेरे हिसाब से आसपास के ही बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि वहां पर इजीली जा पाए। तो मैं तो रजिस्टर करने नहीं वाला हूं क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा भाई इतनी दूर। तो अब बात करते हैं भाई UGW का जो नया ट्रेलर आया ना रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें भाई गेम प्ले हमें देखने को मिला है, बहुत सारा गेम प्ले, एक एक्चुअल प्रॉपर अच्छा वाला गेम प्ले देखने को मिल गया है। सो भाई आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब मैंने गेम प्ले देखा मतलब काफी चीजें सही लगी मेरे को एंड काफी चीजें अच्छी नहीं लगी। जैसा कि उन्होंने मेंशन भी कराया, अभी फाइनल वर्जन नहीं है, फाइनल वर्जन और भी अलग होगा और भी अच्छा ही होगा फाइनल वर्जन, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कुछ चीजें मैं देख के आपको बताता हूं, लाइक इसकी जो फास्ट वाली मूवमेंट है ना, जो स्प्रिंटिंग वाली मूवमेंट वगैरह है वो तो सब बढ़िया लगी। शूटिंग वगैरह की बात करें एंड एनवायरमेंट वगैरह की बात करें सब सही है, बस एक दो चीज मेरे को जो कमी लगी ना, वो कमी मेरे को लगी है कहीं कहीं पे। मतलब जब फायरिंग वगैरह करके मूवमेंट दे रहा है ना बंदा, जिगल दे रहा है, जो भी चीज है, बोलूं तो मेरे को बेकार सा ही लगा है, वो अच्छा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी। आगे चल के इंप्रूवमेंट हो जाएगी बट अभी के मुकाबले मेरे को तो अच्छा नहीं लगा वो देखने में इतना। एंड जो स्लो वाली मूवमेंट है, जो धीरे वाली मूवमेंट होती है, वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब कहूंगा तो बेकार सी लग रही है अभी। बाकी और चीजें देखी जाए ना, एनवायरमेंट वगैरह देखो ना आप UGW का, वो काफी ज्यादा अलग सा है, मतलब ऐसा फील देता है जैसे कि आपने देखा होगा एडिटिंग वगैरह में जो फिल्टर वगैरह होता है ना, एक HDR टाइप का, कुछ उस तरीके का मतलब इसका एनवायरमेंट मेरे को लग रहा है। बाकी आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। बात करूं पूरे गेम प्ले के बारे में, और सारी चीजें तो मेरे को सही लगी, बस वो ये मेरे को थोड़ा बहुत ना जो फायरिंग वगैरह करते वक्त स्लो वाली मूवमेंट है ना, वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, बाकी सब तो मेरे को ठीक ठाक लगा। और अगर मैं कंपैरिजन करूं ना स्कारफॉल 2.0 और UGW का अभी के बेसिस पे, क्योंकि स्कारफॉल का भी फाइनल वर्जन नहीं है, स्कारफॉल भी अल्फा वर्जन में ही है अभी, सो अगर उन दोनों का कंपैरिजन करूं ना मैं, तो स्कारफॉल अभी मेरे हिसाब से 2.0 बहुत ज्यादा अच्छा है। जस्ट मैं गेम प्ले को देखने के बाद जज कर रहा हूं, तो अभी स्कारफॉल 2.0 मेरे को ज्यादा सही लगा इससे। और आगे चल के तो UGW भी बढ़िया हो ही जाएगा और स्कारफॉल 2.0 भी बढ़िया और भी हो जाएगा। तो बाकी सही है, जो भी बंदा जाता है अगर आप बेंगलुरु से हो मेरे को कमेंट में बताना, आप रजिस्टर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, आपने कर दिया तो भी बता देना। अगर आप में से कोई सिलेक्ट होगा तो मेरे को जरूर से इंस्टाग्राम पे बता देना मैसेज वगैरह करके। यही था वीडियो में, वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।